दर्शन न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत के पश्चात लोजपा के नेताओं में डबल ऊर्जा है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिले में पहुंचकर संगठन को धारदार एवं मजबूत बनाने के लिए हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में कटिहार में एक निजी होटल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पहुंचे, जहां पार्टी से जुड़े नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पार्टी के नेताओं के साथ प्रखंड स्तरीय बैठक कर संगठन को मजबूत करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर कई युवाओं ने लोजपा पर विश्वास जताते हुए पार्टी का दामन थमा। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार के सभी जिलों में कम से कम एक एक सीट पर अपनी दावेदारी की है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेता बैठक कर किस जिले में कितने सीट तय की जाएगी यह निर्णय लिया जाएगा। कटिहार से रूपेश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, अब हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज किशनगंज, कल था, आज कटिहार का है, कल पूर्णिया में है। हम लोग अब अपने जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जिला कमेटी के साथ साथ सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ हम लोग बैठक किए हैं और हम लोग अब विधानसभा की तैयारी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लग गई है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर हम लोग निकले हैं और हम लोग विधानसभा में, ये हमारी अंदर की तैयारी है कि कैसे कौन विधानसभा हम लोग अपना मांग रखेंगे। चुनाव तो हम लोग कई जगह से लड़े हैं, आप लोगों ने जाना है, लेकिन हम लोग विधानसभा चिन्हित कर रहे हैं। गठबंधन चुकी है, 3 दल 4 दल 5 दल गठबंधन में है, तो इसलिए हम लोग अपना तैयारी अंदर से खाने में कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट चिराग पासवान जी को, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कैबिनेट मंत्री जो है उनको सौंपेंगे और उसके बाद वो भविष्य में आने वाले समय में एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करके सीटों पे बंटवारा में वोट लगा। सर, लोकसभा में आपको 5 सीटें मिली थी जिसमें आपने 5 सीट जीता, विधानसभा में क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सीट मिलना और सीट की बात करना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ करके एनडीए के सभी बड़े नेताओं से बात करें, लेकिन इतना जरूर मैं बताना चाहता हूँ, 238 जिला है, 2 हमारा पुलिस है, तो जो छोटा जिला भी है उसमें हर जिला में कम से कम एक, वैसे तो 2-2 हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं चिन्हित करके, लेकिन कम से कम एक जो छोटा जिला है, जैसे मान लीजिए किसी जिला में 2 ही विधानसभा, तो हम लोग सब जिला में चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का टिकट में अपना सीट लें और चुनाव लड़ने का काम। इससे पहले होता था कि किसी जिला में हम लोग को 4 सीट मिल जाता और 3-3 जिला खाली रहता था, लेकिन संगठनात्मक दृष्टिकोण से सभी जिला में कम से कम एक या 2 सीट। अभी तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, दावेदारी के लिए बात नहीं करें, हम लोग तैयारी करीब करीब 60 सीटों पर करेगा। अब नेतृत्व तय करेगा कि कितनी सीटों पर चुनाव, वो एनडीए के नेता। आप देखिए, आज जो है जिला स्तरीय समीक्षा बैठक है जिसमें सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आए हैं और सभी प्रखंड कमेटी के साथ एक कोर कमेटी की बैठक है जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रही है और उनका आगमन हुआ है जिला में। तो ये तैयारी जो है विधानसभा को लेकर है आगे, जिसमें कि हम पूरी मजबूती से 7 विधानसभा पर काम करते आए हैं, जिसका प्रमाण आप लोग जानते ही हैं, आप लोग भी शुरू से हमारा साथ दिए हैं, तो आप लोग का भी धन्यवाद हम देते हैं। और 7 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है, हमारी बूथ लेवल तक हमारी कमेटी जो है पहुंच चुकी है और आगे जहां से भी जो भी सीट हम लोगों को मिलेगी उस सीट को हम निकाल कर भेजने का काम करेंगे। जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मिला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो मिलता है उसको हम शुरू से ही उनका आदेश मान के करते आए हैं और आगे भी करते रहे। जी, तो क्या इस बार उनके सामने अपने प्रस्ताव रखा है, क्या इस पर माना जाए कि आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जिला अध्यक्ष होने के नाते चुनाव तो हम बलरामपुर से लड़े हैं, उसके बाद हमें पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो पूरी मजबूती और पूरी निष्ठा के साथ हम जिला को संभाल रहे हैं और 7 विधानसभा में हम काम कर रहे हैं। तो हम ये मांग अभी भी नहीं कर किए हैं और आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक छोटे सिपाही के तरह पार्टी में जो है पूरी मजबूती से काम करते हैं और उनका जो भी दिशा निर्देश आगे मिलेगा उस पर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी 2-3 सीट पर हमें जो है कम से कम चुनाव लड़ने का मौका मिले और हमारी पूरी मजबूती के साथ जो है तैयारी चल रही है। तो इस बूथ के साथ हम कमेटी आगे बढ़ाएंगे और जो ऊपर से शीर्ष नेतृत्व का निर्देश होगा उस पर लोगों को जोड़ने का क्या कुछ धन्यवाद आए हैं, वो विस्तार से सारी बातें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन हम मंच पर आसीन सभी और हमारे सभी साथी से एक निवेदन और करेंगे, जिन्होंने हम सफर साथी बन के हम लोग के साथ रहा, मास्टर साहब इनके पति देव जी है, इनसे कोऑर्डिनेशन करके उसको दे दे, पटना से पारित होके चला जाएगा। एक अहम मुद्दा